हेलो साइबर वॉर्म्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम मैक एड्रेस के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर मैक एड्रेस क्या होता है, इसके अंदर कितने टाइप्स होते हैं और फिर आखिर हम इसको क्यों यूज करते हैं अपने डिवाइसेस के अंदर। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैक एड्रेस का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि हमारे लैपटॉप, मोबाइल फोन या फिर मान लो कंप्यूटर्स को एक फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है, मान लो कि एक तरह का लोकेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि हमें नेटवर्किंग में मदद मिलती है। और वही चीज इसके डिफिनेशन में भी लिखा है, समटाइम्स रिफर्ड टू एज अ हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस इज अ यूनिक 12 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। एज एन एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं 00-P0-DO-63-C2-26। तो यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हैं कि मैक एड्रेस के अंदर 12 कैरेक्टर्स होते हैं जो कि नंबर्स और अल्फाबेट्स को यूज करके बने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं 00-1A-3F-F1-4C-C6। तो यहाँ पर जो फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स हैं या फिर मान लो कि हमारे जो फर्स्ट थ्री अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, OUI होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं, मान लो कि आप अगर HP या फिर डेल का लैपटॉप यूज करते हैं, तो उन सभी लैपटॉप्स के अंदर उनके कंपनी के हिसाब से आगे के जो 6 लेटर्स होते हैं या फिर ये 3 जो कंबाइंड अल्फा न्यूमेरिक एट्रीब्यूट हैं ये सेम रहते हैं, और उसके बाद ये जो लास्ट के 3 होते हैं ये चेंज होते हैं डिवाइस के अनुसार। और सभी डिवाइस के अलग अलग फिजिकल एड्रेसेस होते हैं या फिर मान लो मैक एड्रेसेस होते हैं जिससे कि हम उन्हें पहचान सकते हैं कि हमें इसी डिवाइस के अंदर पैकेट्स को सेंड करना है। तो यहाँ पर आप नोट में देख सकते हैं एक चीज जो कि है, मेनी डिवाइसेस हैव मल्टीपल मैक एड्रेसेस सो कंसीडर योर डिवाइस एंड वेदर यू विल बी कनेक्टिंग वाया एन इथरनेट केबल वायर्ड और ओवर वाईफाई नेटवर्क वायरलेस बिफोर सिलेक्टिंग योर्स। मतलब क्या है कि जैसे ही आप कहीं पर मूव करते हैं, अपने वाईफाई से हट करके किसी दूसरे वाईफाई या फिर राउटर से कनेक्टेड होते हैं तो वहां पर आपका मैक एड्रेस चेंज हो सकता है। और यहां पर हमारा जो फर्स्ट का 3 कैरेक्टर्स है जो कि मैंने आपको बताया है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, जो एक नंबर और एक अल्फाबेट बन करके एक कैरेक्टर बनाते हैं, वो सबके सेम रहते हैं, लेकिन ये लास्ट का जो है वो 3 चेंज होता रहता है। मैक एड्रेस एक अलग ही यूनिक और परमानेंट एड्रेस होता है सभी डिवाइसेस के अंदर, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि यहां पर कभी कभार किसी डिवाइसेस के अंदर मैक एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं, डिपेंड करता है उनके इथरनेट केबल और वायरलेस नेटवर्क के हिसाब से। और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर या फिर मोबाइल फोन, इन सबके एक फिजिकल एड्रेस को प्रोवाइड करता है। और आप मैक एड्रेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हार्डवेयर एड्रेस भी समझ सकते हैं। और मैक एड्रेस जब आपके कंप्यूटर्स क्रिएट होते हैं या फिर जब आपके कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप्स को बनाया जाता है, उसी टाइम इसको असाइन कर दिया जाता है उन अलग अलग लैपटॉप्स के अंदर कि ये लैपटॉप को उसी टाइम उन सारे लैपटॉप्स के अंदर अलग अलग मैक एड्रेस को ऐड कर दिया जाता है जिससे कि उनको एक परमानेंट एड्रेस मिल जाता है। जैसे कि जब हम इंटरनेट पर कम्युनिकेट करते हैं या फिर कोई पैकेट सेंड करते हैं तो वहां पर हम IP एड्रेस का यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाने के लिए। लेकिन क्या हो कि अगर हम बिना इंटरनेट के किसी 2 लैपटॉप्स के बीच में नेटवर्क को क्रिएट करें तो वहां पर हमारा यूज होता है मैक एड्रेस। तो वहां पर सभी डिवाइसेस को एक अलग मैक एड्रेस दिया जाता है जिससे कि उनके बीच में कोई कॉलिजन ना हो। मतलब अगर 2 डिवाइसेस का मैक एड्रेस सेम रहेगा तो वहां पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग और प्राइवेसी को हार्म हो सकता है, इसलिए सभी डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस अलग होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही उस डिवाइसेस के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं। बाकी आप इसके एग्जांपल्स को देख सकते हैं। आप सिस्को का अगर मैक एड्रेस चेक करें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग के जो मैंने 3 कैरेक्टर्स आपके बताए हैं अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, उसके अंदर CC:46:D6 जैसे फॉर्मेट में इसको क्रिएट किया गया है, और सारे डिवाइसेस के अंदर यही मैक एड्रेस यूज होता है सिस्को के अंदर। इस तरह से गूगल के अंदर भी अलग मैक एड्रेस यूज होता है। हेवलेट पैकर्ड मतलब HP के जो लैपटॉप्स हैं उसके अंदर भी अलग इस तरह से मैक एड्रेस यूज होती है, और हुआई टेक्नोलॉजीज के अंदर भी इसी तरह से एक अलग मैक एड्रेस यूज होती है। बाकी मैं आपको बता दूं कि मैक एड्रेस के लिखने के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। एक में हमारा यूज होता है कॉलन जो कि यहाँ पर यूज है, और यहीं पर अगर आप किसी और डिवाइसेस के अंदर देखते हैं तो कहीं कहीं पर आपको डॉट भी मिल रहे होंगे तो वहां पर डॉट यूज होता है, और कहीं कहीं पर हाइफन भी यूज होता है मैक एड्रेस के अंदर। मतलब सिंपली यहाँ पर 3 तरह के फॉर्मेटिंग होती है, एक कॉलन में होती है, एक डॉट में होती है और फिर एक हाइफन में होती है। और यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं 6 ऑक्टेट्स लिखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैक एड्रेस है वो 48 बिट में डिवाइडेड होती है, मतलब 48 बिट्स के अंदर ये डिवाइड, और हर एक बाइट के अंदर 8 बिट होती है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 1 बाइट है फर्स्ट ऑक्टेट,
तो यहाँ पर 8 बिट्स ऐड हैं। और इसी तरह से यहाँ पर जो सेकंड ऑक्टेट है इसके अंदर भी 8 बिट एडेड होते हैं और यहाँ पर ये 6 भाग में डिवाइड होते हैं, इसलिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 6 भाग हैं और यहाँ पर हर एक बाइट्स के अंदर 8 बिट्स हैं, तो मतलब क्या हो गया हमारा ये 48 बिट्स का टोटल मैक एड्रेस क्रिएट होता है। और इसके अंदर 12 कैरेक्टर्स होते हैं और ये 6 भागों में डिवाइड होता है और हर एक भाग के अंदर यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स यूज होते हैं, वहां पर आप अल्फा न्यूमेरिक भी यूज कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिक न्यूमेरिक भी यूज होता है या फिर वहां पर अल्फा अल्फा भी यूज होता है, मतलब अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं। और यहाँ पर 6 भाग को डिवाइड करने के लिए कॉलन को भी यूज करते हैं, डॉट को भी यूज कर सकते हैं या फिर हाइफन को भी यूज कर सकते हैं। और मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में यूज होता है, इसलिए जब आप इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं तो वहां पर आपको इसको बाइनरी फॉर्म में चेंज करके चेक करना पड़ता है कि आखिर जो हमारा मैक एड्रेस है वो कौन से टाइप्स में पड़ता है। और मैक एड्रेस क्रिएट करने के लिए 0 से 9 तक के नंबर को यूज करते हैं और ए से लेके एफ तक के अल्फाबेट को यूज करते हैं। और यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, इसको मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के जो 3 कैरेक्टर्स होते हैं या फिर स्टार्टिंग के जो 3 भाग होते हैं वो मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसको मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से देते हैं। और उसके बाद जो लास्ट के 3 भाग है वो नेटवर्क प्रोवाइडर या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मतलब जो नेटवर्क वाईफाई इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं और मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि कैसे अगर आप किसी को डेटा शेयर कर रहे हैं तो वहां पर अगर 2 डिवाइसेस के मैक एड्रेस सेम रहेंगे तो वहां पर कॉलिजन हो सकता है। आप इस इमेज को भी देख करके समझ सकते हैं कि यहां पर क्या हो रखा है। यहां पर जो पीसी ए है यहां से इन्फॉर्मेशन जा रही है और यहां पर जब ब्रॉडकास्टर के पास आता है तो ये क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मुझे इन्फॉर्मेशन किस पीसी के अंदर शेयर करना है, क्योंकि पीसी बी और पीसी सी के अंदर जो मैक एड्रेस है वो सेम है, इसलिए ये कंफ्यूज है कि आखिर मुझे इन्फॉर्मेशन पैकेट्स किस पीसी के अंदर शेयर करना है। तो इसीलिए जो मैक एड्रेसेस होती हैं वो सारी डिवाइसेस की अलग होते हैं और जितने भी कंपनीज होते हैं उनके अलग अलग मैक एड्रेसेस होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिस्को के अलग हैं, गूगल्स के अलग हैं और फिर एचपी के अलग हैं, डेल के अलग हैं। इन सारे कंपनीज के अंदर जितने भी डिवाइसेस मैन्युफैक्चर होती हैं या फिर जितने भी काम होते हैं मैक एड्रेस से रिलेटेड वो सब अलग रहते हैं, जिससे कि कोई भी कॉलिजन नहीं होता है और यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन ईजी हो जाता है। और अभी हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, तो मेनली इसके अंदर 3 टाइप्स हैं, एक है यूनिकास्ट मैक एड्रेस, दूसरा है मल्टीकास्ट मैक एड्रेस और फिर है ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। तो आप यूनि देखकर ही समझ सकते हैं कि यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक तरफ से, कि सिर्फ सिंगल नेटवर्किंग मतलब सिंगल कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने को हम यूनिकास्ट मैक एड्रेस बोलते हैं। और उसी तरह से आप यहां पर मल्टीकास्ट भी देख सकते हैं, मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है कि एक बंदे से बहुत सारे बंदे कनेक्टेड हो जाते हैं तो उसको हम मल्टीकास्ट बोलते हैं। और ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कम्युनिकेशन बिल्ड होता है या फिर जो कनेक्शन बिल्ड होता है उसी को हम ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस बोलते हैं। और इसको हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले कि आखिर ये कैसे वर्क करता है, तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए मैं अपने लैपटॉप का ही मैक एड्रेस यूज करने वाला हूं और फिर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग जान सकते हैं कि कौन से मैक एड्रेस यूनिकास्ट है, कौन से मल्टीकास्ट है और कौन से ब्रॉडकास्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अपने सीएमडी को ओपन करेंगे और फिर हम यहां पर टाइप करेंगे config-all। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिजिकल एड्रेस जो कि हमारा है D4, मतलब क्या है कि आपको अगर जानना है कि कौन से टाइप से हमारा जो डिवाइस है वो पड़ता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, और आपके जो फिजिकल एड्रेस का फर्स्ट भाग है उसको नोटिस करना है, बाकी इन सबको छोड़ देना है, सिर्फ ये जो D4 लिखा है इस पर आपको फोकस करना है। आपके लैपटॉप या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर जो पहले भाग के अंदर अल्फा न्यूमेरिक या फिर अल्फा अल्फा या फिर न्यूमेरिक न्यूमेरिक कैरेक्टर आता है उसको आपको नोटिस करना है और उसके बाद उसको बाइनरी के अंदर चेंज करना है। और अगर वहां पर एंडिंग के अंदर 1 आता है तो उसको हम मल्टीकास्ट एड्रेस बोलते हैं, और उसी तरह से अगर 0 आता है तो हम उसको यूनिकास्ट एड्रेस बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यूनिकास्ट के अंदर क्या होता है कि एक ही रिसीवर होता है और एक ही सेंडर होता है, बट यहाँ पर मल्टीकास्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे रिसीवर होते हैं लेकिन सेंडर एक होता है। और इसी तरह से ब्रॉडकास्टर के अंदर क्या होता है कि वहां पर जितने भी नंबर्स आएंगे, मतलब यहाँ पर D4, D8, 53, ये सारे नंबर 1 रहेंगे या फिर सेम रहेंगे तो उसको हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर बोलेंगे। तो इसी को मैं चेंज करके आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिर कैसे ये काम करता है या फिर कैसे हम इसको बाइनरी में चेंज कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि आखिर कौन सा यूनिकास्ट है, कौन सा मल्टीकास्ट है और कौन सा ब्रॉडकास्ट है। तो इसके लिए मेरे पास आ गया बाइनरी हेक्स कन्वर्टर। तो हमारे पास जो मैक एड्रेस का पहला भाग था उसके अंदर था D4, तो हम D4 को ऐड करेंगे और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एंडिंग का वैल्यू है वो है 0, मतलब क्या है कि ये यूनिकास्ट मैक एड्रेस है। और इसी तरह से सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा जो मैक एड्रेस है उसका पहला भाग है D5, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 1 आ रहा है
एंडिंग में, तो ये क्या होगा, ये मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होगा। और इसी तरह से मान लेते हैं हम यहाँ पर हमारा FF है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये सब कुछ सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। तो यहाँ पर मैं इसको पूरी तरह से कन्वर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ये मैक एड्रेस है, ये है हमारा ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। और इसी तरह से हम कॉपी करते हैं अपने मैक एड्रेस को, जो कि हमारे लैपटॉप का मैक एड्रेस है, और फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके भी एंडिंग में जीरो ही आ रहा है, लेकिन हमको फोकस क्या करना है, हमको सिर्फ आगे का जो फर्स्ट है उसको ही फोकस करना है, बाकी को हमें छोड़ देना है, इसको हम कट कर देते हैं। और इसी तरह से अगर आपको ब्रॉडकास्ट भी दिख रहा है, मतलब सारे जो 6 भाग्स हैं वो सेम हैं, तो उसमें भी आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट 2 कैरेक्टर को ही यूज करके इसको कन्वर्ट करना है, और आपको देखना है कि एंडिंग में हमारा क्या आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो हम क्या उसको बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यूनिकास्ट, और अगर 1 आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे मल्टीकास्ट, और अगर हमारा सेम आ रहा है सब कुछ, मतलब 1 1 1 आ रहा है सब, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, उसको ब्रॉडकास्ट बोलेंगे। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मैक एड्रेस क्या होता है और इसके टाइप्स कितने हैं, और इसको हम कैसे जान सकते हैं कि आखिर कौन सा टाइप कौन से मैक एड्रेस को डिफाइन करता है। तो अभी जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, कि आखिर हम मैक एड्रेस को यूज क्यों करते हैं। तो यहाँ पर तो डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है जो कि मैंने कार्नेज यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से निकाला है, बट कोई ना, मैं आपको इसको सिंपली समझा देता हूँ कि आखिर इसके अंदर क्या है। बेसिकली मैक एड्रेस इसलिए यूज होता है ताकि हम कम्युनिकेशन बिल्ड कर सके और 2 डिवाइस के अंदर नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश कर सके। अभी मैंने शायद पिछली वीडियोस के अंदर आपको एक एग्जांपल बताया था, जिसके अंदर क्या था कि अगर आप किसी को पैकेट सेंड कर रहे हैं या फिर कुछ गिफ्ट सेंड कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि आपको एक एड्रेस ऐड करना पड़ता है कि हाँ इसी लोकेशन के अंदर ये गिफ्ट को या फिर इस पैकेट को सेंड करना है, तो डिलीवरी बॉय जो होगा वो उसी लोकेशन पर उसको शेयर कर देगा। लेकिन अगर वहां पर वही लोकेशन 2 लोगों का होगा, मतलब सेम लोकेशन 2 लोगों का होगा, तो डिलीवरी बॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर मुझे कहां पर उस पैकेट को शेयर करना है या फिर उस गिफ्ट को देना है। तो इसीलिए मैक एड्रेस यूज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक अलग उनका एड्रेस देता है। और इसी तरह से हम जो वायरलेस शेयरिंग या फिर नेटवर्किंग या फिर कनेक्शन को बिल्ड करते हैं, जैसे कि आप ब्लूटूथ से कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं या फिर नियर बाय शहर से कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमारा मैक एड्रेस ही यूज होता है, क्योंकि वहां पर इंटरनेट यूज नहीं होता है, तो वहां पर आईपी एड्रेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए वहां पर हम मैक एड्रेस को यूज करके ही डेटा को शेयर करते हैं। और यहां पर इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जो कि है आप इसको लोकेशन ट्रैकिंग में यूज कर सकते हैं। लोकेशन ट्रैकिंग में कैसे, मान लो कि अगर आपका मोबाइल गुम जाता है या फिर आपका मोबाइल खो जाता है, तो वहां पर आपके मैक एड्रेस की मदद से आपके डिवाइस को सर्च किया जा सकता है या फिर उसके लोकेशन को सर्च किया जा सकता है। तो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है मैक एड्रेस का, और उसके बाद कम्युनिकेशन बिल्ड करना भी ये किसका इंपॉर्टेंट यूज है, लेकिन इसको हम लोकेशन ट्रैकिंग में भी यूज करते हैं, क्योंकि सभी डिवाइसेस के एक अलग मैक एड्रेस होते हैं। तो अगर आप लोकेशन को ट्रैक भी करते हैं उस मैक एड्रेस को यूज करके, तो वहां पर लगभग 90% एक्यूरेसी होती है कि आपके जो डिवाइस खोए हैं या फिर आपका जो डिवाइस लॉस्ट हो गया है वो मिल सकता है, उसके मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद बहुत सारे जगहों पर क्या होता है कि आप अपने घर में वाईफाई लगवाते हैं, और वहां पर क्या होता है कि आपका जो पासवर्ड होता है वाईफाई का, वो बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है, और इसी वजह से आपका जो इंटरनेट है वो स्लो हो जाता है। तो वहां पर भी आप मैक एड्रेस के ही हेल्प से उन सभी यूजर्स को भी वहां पर ब्लॉक कर सकते हैं जिनको आप नहीं चाहते हैं कि ये हमारे वाईफाई को यूज करें। तो यहां पर भी हम मैक एड्रेस को ही यूज करते हैं। सो गाइज, ये थे इसके यूजेस, एंड आई थिंक कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप यहां पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं गाइज अब अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू एंड हैप्पी नेटवर्किंग।